10 दिन बाद हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस वर्ष धान की खरीद के लिए करीब 200 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार इस साल धान की खरीद के पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। धान की खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी। राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि मंडियों में फसल बेचने आने वाले किसी भी किसान को कोई समस्या ना आए। इसलिए खरीद शुरू होने से पहले शेड, सड़कें, पैकेजिंग बैग, तुलाई मशीन आदि ठीक कर लें। हरियाणा में कृषि विपणन बोर्ड, हैफेड एवं हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इस खरीद में शामिल होते हैं। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020 से 21 में हरियाणा सरकार ने सिर्फ 65.55 लाख मेट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की है, जबकि KMS 2019 से 20 में 64.29 लाख मेट्रिक टन धान खरीद गया था। यानी एक साल में ही MSP पर खरीदे जाने वाले धान के रिकॉर्ड में 7.74 लाख मेट्रिक टन की कमी आ गई है। FCI के मुताबिक हरियाणा में 2017 से 18 में 59.58 लाख मेट्रिक टन धान MSP पर खरीदा गया था, जबकि 2018 से 19 में 58.83 लाख टन की खरीदी हुई थी। जहां धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होगी, वहीं बाजरा, मक्का, मूंग की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 15 नवंबर तक चलेगी। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के मुताबिक बाजरा के लिए 86, मक्का के लिए 19 और मूंग के लिए 38 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। बाजरा के लिए 2,250, मक्का के लिए 1,870 रुपए, मूंग के लिए 7,275 एवं मूंगफली के लिए 5,550 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करवाना जरूरी है। धान बेचने के लिए 27 अगस्त तक 2,90,000, बाजरा के लिए 2,45,000 एवं मूंग के लिए 66,000 से अधिक किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। 2020 से 21 में प्रदेश सरकार ने 75,000 टन बाजरा खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।